आ गया साला इधर, मुंह डाला ने मेरे नीचे। जब मैंने बाहर से कमांड दरवाजा बंद किया और लोग भाग गए, बोले कि अरे बाहर मत आ, बोले हाँ ऐसा हो गया था एकदम। इतने भालू है जो था, सुबह दिन उगने वाला ही था जब इधर आया वो भालू। एक वो घटना बताइए, जैसे एक कोई अधिकारी थे, वो अपने कुत्ते को टहलाने के लिए आ रहे, तो बाघ आया तो हाथ से कुत्ता को ले गया, चरपाई के नीचे से ले गया इधर, हमारे इधर अंदर से चरपाई के नीचे से कुत्ते को ले गया, निकाल के लेके गया। ये जीवन सिंह जी मार साहब के, यहाँ कुत्ते नहीं है, देखो अपने हम गाँव में होते हैं, कुत्ता एक भी दिखाई नहीं देगा आपको। ये कल लेके गया ना एक, पकड़ लिया, ये देखो इधर बैठी है खाली कुत्ती, इधर से पूरा खाली छुड़वा दिया था कल की डेट में, यहाँ से ले गया बता रहे हैं। दोस्तों गोवा गांव से वीडियो शेयर करें आपके साथ, मतलब हर गांव में कुत्ते होते हैं, लेकिन इस गांव में एक भी आपको कुत्ता देखने के लिए नहीं मिलेगा, क्योंकि यहां पे भालू आते हैं और वो भालू कुत्ते को खा जाते हैं। चीता टाइगर आता है ना, टाइगर और भालू काफी जंगली जानवर यहाँ पे आते हैं, फाड़ देता है, अच्छा इंसानों को चीर देता है। भालू आता है ना, वो भालू इंसानों को सीखता है, अच्छा और क्या वो अचानक भिड़ जाता है वो, तो उनके नखून होते ज्यादा बड़े बड़े, तो वो एकदम उसको चीर देता है। हाँ इधर कितने हमारे कितने खाए इधर, बहुत सारे लोगों को पूरे फाड़ दिए, अच्छा हाँ एक के तो आंख निकाल दी थी बेचारी की, तो घास काट रही थी पकड़ के वो आया ना पीछे, हाँ। एकदम झपेटा मारा इधर से आंख निकाल दी थी, अच्छा फिर वो ऊपर बारिश हो रहा था, फिर ग्लोबल लेके गए, ये ग्लोबल हॉस्पिटल, फिर ग्लोबल लेके फिर उसको बोले कि वो कहाँ इसको बोले कि खाई थी, बोले कि वो आंख अक्की निकली है, फिर वापस वहाँ गए तो वो मौस और ऐसे के ऐसे पड़ा रहा ऊपर, फुर 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 पानी पड़ता रहा ने, वो आंख वापस लगा दी, उसको अभी भी दिख रहा है उसी आंख से, अच्छा बोलो उसी आंख से दिख रहा है डॉक्टर ने, वही आंख है भालू ने नीचे गिरा दी, उसी को वापस लगा दिया, पेड़ के ऊपर ही पड़ी थी, अच्छा तो वो वापिस लगा दिया। दोस्तों गोवा गांव की ये अंकल जी ने बात बताई आपको कि गोवा गांव में अब जो संसट होने वाला है, तो अब से पहले पहले ये घर के अंदर घुस जाएंगे और रात को टाइगर भालू इत्यादि जंगली जानवर आते हैं, जो किसी को बाहर अगर देख ले तो वो मतलब खा जाते हैं। भालू का बनाना हुआ तो भालू भी आते हैं शाम को अपने 10 बजे के बाद में जाओ इधर, हाँ इधर रोड पे एयरपोर्ट से एयरपोर्ट के आगे ही भालू आ जाएंगे, अच्छा आपको एक दो तो मिल जाएंगे, अच्छा ओ तो मतलब पशुओं को वगैरह को नुकसान नहीं पहुंचाते, पशुओं को नुकसान नहीं, वो टाइगर पहुंचाता, टाइगर खा जाता है पशुओं को, टाइगर खा जाता, हमारे बछड़ा खा लिया था इधर अंदर ही, अच्छा हाँ पूरा बछड़ा खा लिया, सुबह तो देखा का कोई पैर बचे इतने इतने, अच्छा हाँ मैं घर के आगे वो रसोई घर है, हाँ। उधर लाइट जल रही है, चूल्हा जल रहा है, मैं क्या पता ऊपर से आया तब खाया, अच्छा ऐसा हो गया। तो दोस्तों ये वीडियो आप देख रहे हो, पक्के घर हैं, पक्के बस्ती हैं, चारों तरफ जंगल है, और यहाँ पे हम घूमने के लिए आते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, नज़ारा सा लगता है कि बहुत सुंदर है और यहीं पे रहे बहुत सुकून है, यहीं पे रहने वाले लोगों को बहुत सुकून मिलता है, लेकिन देखो यहाँ पे सुकून नहीं है हमारे लिए, हम घंटा भर आते हैं तो सुकून है, लेकिन जब यहाँ पे अंकल जी ने बताई है यहाँ पे रहना सुकून नहीं है, बहुत बड़ा दुख यहाँ पे कष्ट इनको होता है, जंगली जानवर आते हैं इनको परेशान करते हैं, इनके बछड़े गायों को जानवरों को खा जाते हैं, तो बहुत बुरी हालात होती है अंकल जी की। 2-3 दिन घूमने आते हो तो अच्छा लगता है, अच्छा ज्यादा दिन आपको अच्छा नहीं लगेगा इधर, हाँ। सब देखते हैं, अच्छा हाँ अभी बारिश चालू हो जाएगा तो बिल्कुल धुंध ही धुंध, बाहर भी नहीं दिखेगा आपको, जानवर आएगा तो आपको दिखेगा भी नहीं, वो पूरा ऐसा होता है इधर, हाँ तो 1-2 महीने तो वो ऐसा ही बादल ही ये कोहरा ही चलेगा इधर, हाँ इधर से देखना होगा तो देखेंगे नहीं, कोई दिखेगा नहीं, अच्छा आपको तो उसमें भी आपको ज्यादा डर रहता है, ज्यादा डर रहता है उसमें, तो बहुत ही डर रहता है, अच्छा हाँ क्या पता कब कहाँ से आए, तो रात को तो कोई निकल ही नहीं सकता, रात को कौन निकलता है, डर लगती है, अच्छा नाले में नहीं जाएगा इधर, नाले में रात को कोई नहीं जाएगा, अच्छा ये पास में इसमें ही, अच्छा हाँ ऐसा हो गया अभी। तो दोस्तों ये गोवा गांव से वीडियो आप देख रहे हो, जो कि बहुत ही ये इनका दर्द सुन सकते हैं हम, कि जंगली जानवर इतने आते हैं इनको परेशान करते हैं,
कि ये नाइट को बाहर तक नहीं निकल सकते हैं, और सर्दी के टाइम में जब ज्यादा कोहरा आता है तो बहुत ज्यादा परेशानियां होती है, मतलब यानी हाथ से हाथ नहीं दिखता है, इतना ज्यादा यहाँ पे कोहरा होता है, क्योंकि पहाड़ी इलाका है तो जंगली जानवर अगर पास में भी हो तो दिखाई नहीं देता है। तो ये अंकल जी बता रहे कि काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है हमारे गांव में, काफ़ी महिलाओं को काफ़ी लोगों को जंगली जानवर ने काट लिया खा लिया, और इस गांव में एक भी आपको कुत्ता देखने के लिए नहीं मिलेगा, यानी कुत्ता कोई भी आता है तो जानवर उस कुत्ते को खा जाते हैं, मतलब घर में से उठा के ले जाते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा पीड़ादायक बात अंकल जी ने बताई है इस गांव की। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मैं आपके साथ में गोवा गांव के और भी काफ़ी वीडियो शेयर करूंगा, आप उस वीडियो को पूरा देखना, अंकल जी आपको पूरा गोवा गांव के बारे में आपको बताएंगे। और ये राजस्थान के सिरोही ज़िले का गोवा गांव का वीडियो मैं शेयर कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।